हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब जनरल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी लेकर के आया हूं और ये वैकेंसी है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से। यहां से नॉन टीचिंग पोजीशंस पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसीज़ दो बार एक्सटेंड भी हो चुकी हैं और इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको यूट्यूब से भी पहले सभी नोटिफिकेशन को प्रोवाइड कर देता हूं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी इस तरीके की लेटेस्ट टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो रिक्रूटमेंट्स पर आप जाएंगे। रिक्रूटमेंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिस, ये DPSRU NTS 2022/01, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्सटेंड हो चुकी है डेट, अभी 31/12 तक जो है इस डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। और मैं आपको एक शॉर्ट में दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं वो आई हुई हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, काफ़ी अच्छे लेवल्स की यहाँ पे जॉब हैं। कुछ जॉब्स को छोड़ करके आप देख सकते हैं टोटल 11 पोस्ट हैं यहाँ पर, अलग अलग स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, सीनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। तो इन सभी में वैकेंसीज़ हैं और इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें सब में आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें टेस्ट होना है आपका, पूरा सिलेबस आपको दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना टाइम है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और रिलैक्सेशन भी यहां पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसकी एज निकल भी अगर गई होगी तो उसको भी शायद यहां पे मौका मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर जो एज लिमिट है पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 ईयर्स एज है, और पोस्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11, इन सब पोस्ट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। और पोस्ट नंबर 9 यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 27 इयर्स ऑफ एज रखी गई है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर 45 वैकेंसीज़ हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टोटल 45 वैकेंसीज़ हैं। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेक्शन ऑफिसर की आप देख सकते हैं टोटल 1 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 2, असिस्टेंट ग्रेड की जो है वो 2, सबसे ज़्यादा ऑफिस असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज़ हैं, बाकी सब में 4, किसी में 5, किसी में 7, लैब असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट में 7-7 वैकेंसी हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर में 2, स्टोर कीपर में 1 और असिस्टेंट स्टोर कीपर में भी 1, टोटल 35 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशंस, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर क्लास 12 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है या फिर किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पे सभी का जो है नीचे एलिजिबिलिटी दी हुई है, ये आपको खुद देखना होगा दोस्तों। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं और सबका अलग अलग पे स्केल, पे लेवल, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना होगा किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फिलिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है SC ST को 5 इयर्स का, OBC दिल्ली वालों को 3 साल का, PWD कैटेगरी को 10 साल का, PWD SC ST को 15 साल और PWD OBC दिल्ली को 13 ईयर्स, और बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट और नीचे जो हैं ये अलग से यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पे अलग से और मेंशन किया गया है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। 75% आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 25% आपका जो है वो आपके स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग वगैरह जो भी होगा उससे आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप यहाँ पे नीचे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर में आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, 75% वेटेज है और ग्रेजुएशन लेवल का ये जो है ये जॉब है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि CBT यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी 200 मार्क्स का है, लगभग सभी में 200 मार्क्स का है, और यहाँ पर बस क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज है सब जगह, सारे जॉब्स में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 200 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होना है। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ CBT सिलेबस आर एस फॉलोस, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये देखिए पूरा सिलेबस है, रीजनिंग इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश नॉलेज ऑफ, ये आपका जो है ऑफिशियल
प्रोसीजर्स एंड रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिक कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है क्या क्या चीज़ें आनी है और किस, जैसे मान लीजिए टीचिंग टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए क्या सिलेबस है, इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सीनियर लेवल असिस्टेंट के लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी ये सब इसमें लिखा हुआ है। स्टोर कीपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है इन्होंने, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में देखना होगा। इसके बाद एग्ज़ाम की देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम कितने घंटे का होने वाला है, तो यहाँ पर पूरा लिस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है यानी कि फ़ीस कितनी लगने वाली है वो इसके सबसे लास्ट पेज में आपको यहाँ पे बताया गया है। फॉर यू आर ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 400 और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 800, टोटल 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये आपको पे करना है चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे ग्रुप सी की हो, ग्रुप बी और सी दोनों के लिए ही 1200 रुपये है। और यहाँ पे फॉर एस सी एस टी के लिए ग्रुप सी के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ 800 रुपये फ़ीस है और ग्रुप बी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। और फॉर्म स्टार्ट हो चुका था इसका 1 नवंबर को और इसकी जो लास्ट जो डेट है वो मैंने आपको बताया, जैसा कि नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2022 तक के लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अप्लाई लिंक, ये देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन लिंक फॉर नॉन रेगुलर टीचिंग पोस्ट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन होगा, आपको पढ़ लेना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितने के भी, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे नीचे इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ये देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया, सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। नेम, मोबाइल नंबर और कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म एक बार और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल के कन्फर्म करेंगे। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको वापस पेज पर आना है, इसी पेज पर यहाँ पर इस पर टिक करना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। फिर आप अपनी यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म फिल करने का, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इसमें अप्लाई करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ओके। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर यहाँ से अप्लाई करें, दिल्ली जैसे शहर में हैं और नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करें। और इसी तरीके की टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।